हाय हाय सो ये वीडियो बहुत दिनों से बनाना था मैंने और काफ़ी लोगों के यू नो क्वेरी आती है, लोग समझ नहीं पाते हैं आईपीयू एडमिशन को लेके और मैनेजमेंट सीट को लेके। तो देखिए, चाहे वो आईपीयू एडमिशन हो, चाहे वो सिम्बियोसिस के अंडरग्रेड में काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, तो जो मैनेजमेंट सीट्स हैं खासकर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, सिम्बियोसिस में या नारसिम्होजी में, ये बिल्कुल लीगल ऑथराइज मैनेजमेंट सीट्स हैं। आप वेबसाइट्स पे जाएंगे कॉलेजेस के तो चेक कर सकते हैं। जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज के हर कोर्स में 10% सीटें आर ऑन मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन। रूल ये होता है कि आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया हो, अगर हम आईपीयू की बात करें फॉर सीईटी कोर्सेज, और नॉन सीईटी कोर्सेज के लिए जैसे बीटेक की बात करो तो आपने जेई मेन लिया होना चाहिए, एमबीबीएस ने तो खैर मैनेजमेंट सीट है ही नहीं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं। लॉ की बात करें तो क्लैट दिया होना चाहिए, आर्किटेक्ट की बात करें तो नाटा दिया होना चाहिए, और सीईटी में फिर बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी हो गए। सिमिलरली सिम्बियोसिस की मैनेजमेंट सीट के लिए सिम्बियोसिस का एंट्रेंस एग्जाम दिया होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप मैनेजमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, हम भी हेल्प करते हैं आपकी टू लाइजन बिटवीन स्टूडेंट एंड दी मैनेजमेंट टू गेट यू दी मैनेजमेंट सीट। हर कॉलेज हर कोर्स का मैनेजमेंट फी डिफरेंट होती है, और पहले डोनेशन होती है और मैनेजमेंट फी। आईपीयू में ये फ़ायदा है कि मैनेजमेंट सीट की जो फीस होती है, ट्यूशन फी मतलब, वो नॉर्मल फीस होती है, लेकिन सिम्बियोसिस की बात करें तो फीस डबल हो जाती है। तो फिर ये सब भी डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंस इश्यूज होते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात जो ना मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं और मैं सबको ओपनली बताता हूँ कि सर डू यू थिंक कि ये वर्थ है कि हम इतनी महंगी मैनेजमेंट सीट लें। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि ये बहुत शानदार बीटेक का कॉलेज है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, शायद नंबर वन कॉलेज माना जाता है फॉर कंप्यूटर साइंस। अब उसकी जो डोनेशन है वो 18 लाख 18 लाख रुपए जाती है, सुन के बड़ा अजीब लगता है और सुन के एक बार झटका लगता है शायद काफ़ी लोगों को। फिर मैं समझाता हूँ कि देखिए 18 प्लस 1-1 साल लाख की फीस, तो एक बार आपने मैनेजमेंट सीट ले ली आप टोटल 22 लाख में आपका बच्चा बीटेक कर लेगा, वो भी हार्ट ऑफ द दिल्ली में, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं। इसके मुकाबले अगर कोई आप डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं या वीआईटी वेल्लूर भी जाते हैं, थापर भी जाते हैं, तो भी आपके 20-22 लाख रुपये लग जाते हैं। सो टोटल कॉस्ट तो बराबर हुई ना, और इस कॉलेज में भी 100% प्लेसमेंट है फॉर दीज कोर्सेज, उन कॉलेजेस में भी है, तो टोटल आपका नेट एक्सपेंस सेम हुआ, प्लस आपका बेटा या आपकी बेटी आपके साथ दिल्ली में रह रहे हैं। सो इस तरह से हम देखते हैं तो वर्थ हो जाता है, लेकिन हाँ हर जगह हर बार मैनेजमेंट सीट देना मे नॉट बी वर्थ। तो हम शायद वही गाइड भी करते हैं बच्चों को कि किस बच्चे के लिए, किस फैमिली के लिए कौन से कॉलेज में मैनेजमेंट सीट लेना वर्थ है और किस सिचुएशन में नहीं है। अब देखिए, अभी थापर और उसको भूल जाते हैं, सेम कोर्स बीबीए की बात करते हैं, बीबीए में अगर आईपीयू की बात करूँ या सिम्बियोसिस की बात करूँ, शायद 100% प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर हम मैनेजमेंट सीट क्यों लें जब 100% प्लेसमेंट भी नहीं है। तो उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी प्ले करती है। देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग इज़ अबाउट बच्चा, टीचर, इंफ्रा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी बच्चे। तो अब हिंदुस्तान में सिस्टम ऐसा है कि जितने भी अच्छे मेरिटोरियस बच्चे होते हैं वो उन्हीं कॉलेजेस में ही जाते हैं। तो अगर हम बीसीए की बात करें आईपीयू में, या बीकॉम ऑनर्स की बात करें आईपीयू में, फॉर दैट मैटर डीयू में, राइट, हम सब जानते हैं ना सारे टॉपर्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ही जाना चाहते हैं, या बीएमएस में सारे टॉपर्स शहीद सुखदेव ही जाना चाहते हैं, तो आप और मैं उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम थोड़े से अबव एवरेज भी हैं, और लेकिन अगर हम टॉपर्स के साथ बढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, तो उनकी संगत में हम काफ़ी इम्प्रूव कर जाते हैं। सो कभी कभार अच्छे कॉलेज में जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको वो संगत मिल जाती है जो एवरेज कॉलेज में नहीं मिलेगी। देखिए, स्कूल और कॉलेज में यही फ़र्क है, स्कूल में आप फीस देकर अच्छी संगत पा सकते हैं, जो टॉप स्कूल्स होते हैं उसमें आप डोनेशन देके उसमें देके एडमिशन ले सकते हैं, या मेरिट पे एकदम नर्सरी में आप चले गए ड्यू टू पॉइंट सिस्टम। बट इंडिया का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें टॉप कॉलेजेस में सिर्फ मेरिट पर एडमिशन हो सकता है, दैट मीन्स ऑल जो अच्छे बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी एवरेज है तो दूसरे एवरेज बच्चों के साथ ही पढ़ेगा, फिर होगा तो एवरेज बच्चा, एवरेज टीचर, एवरेज माहौल, एवरेज संगत, सब कुछ एवरेज निकलता है। सब कुछ तो मैं हम नहीं चेंज कर सकते, आपका बच्चा शायद एवरेज ही है या बच्चा एवरेज ही है फिलहाल, लेकिन अगर वो टॉपर संगत में चला गया, टॉपर एनवायरमेंट में चला गया, टॉपर फैकल्टीज के पास चला गया, तो शायद उसका लेवल भी एवरेज